आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने जो बनाते हैं इसके लिए YouTube के लिए वो हम किस तरह फ्री में हम बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा किस तरह से हम बना सकते हैं। इसमें आप फिल्मोरा सॉफ्टवेयर वो आप यूज़ कर सकते हैं करके उसकी स्क्रीनशॉट लेके तो बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। अब हमने कुछ वीडियोस यहाँ पे रखी हैं और पिक्चर्स, इसको हम यहाँ से पिक करेंगे फोल्डर में और फिल्मोरा प्रो में डालेंगे। फिल्मोरा या फिल्मोरा प्रो, इन दोनों में से कोई सा भी डाउनलोड कर लें। तो वीडियो में से हमने ये पिक्चर एक सिलेक्ट की और इधर से पहले सिलेक्ट करें कौन सी अच्छी लग रही है और इसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेता है इस वीडियो की। इसके बाद हम इसको अलहदा से रखते हैं, इसके ऊपर एरो रखते हैं इधर से, फिर हम पिक्चर सेलेक्ट करके उसको मिनिमाइज़ करते हैं। जो भी आपको पिक्चर रखनी हो उसके ऊपर कहीं पे भी, तो उसको आपको ठीक लगे यहाँ पे हमने रख दी है। और इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं जो हमने इधर टाइप करना है नाम, तो इधर से हम गए हैं टाइटल्स में और इसके बाद हम इधर से अब सेलेक्ट करें कौन सा ठीक लग रहा है। ये हमने सेलेक्ट किया इसको, उसके ऊपर रखा टाइम लैप पे, और यहाँ से ये हमें नहीं चाहिए तो इसको हम छोटा करके साइड पे इसको ले जाएंगे। जो हमें इधर टेक्स्ट चाहिए इसको इधर रखा, ये हमें नहीं चाहिए इसको साइड पे कर दिया, और अब इसको यहाँ यहाँ ठीक लग रहा है। अब इसके बाद हम इसका जो कलर है ये यहाँ से हम चेंज करेंगे। यहाँ से हमने रेड कलर के करीब करीब जो है वो सिलेक्ट करने हैं ताकि अच्छा लगे। तो ये यहाँ से ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं इसके कलर सिलेक्ट करने की। इधर से हमने कलर सिलेक्ट किया दूसरा वाला, ओके किया, ये कलर चेंज हो गया। तो इसी तरह जो बाकी टैक्स हैं उनको भी हम चेंज करेंगे। यहाँ से अब हमने टैक्स को टाइप किया जो हमें चाहिए, लेकिन ये कलर इस कलर में और जो ये टैक्स है इसका सही पढ़ने में नहीं आ रहा, तो हम इसको स्टाइल को चेंज कर देंगे। इधर से जाके जो आपको स्टाइल ठीक लगे इधर से चेंज कर लिया। अब इसको एडजस्ट किया कहाँ पे रखने हैं, कितना साइज़ है, इसको ये कर दिया। इसके बाद एक और, अब मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर रहे हैं और बाकी जो है वो हम टाइप कर रहे हैं। और ये फिल्मोरा जो है ये आप फ्री वर्जन जो है, जो ट्रायल वर्जन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तब आपको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थंबनेल बनाने हैं तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप फिल्मोरा इसी तरह यूज़ कर सकते हैं और आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप इस तरह यूज़ करें इसका, बाद में जो है आपको दिखाता हूँ किस तरह से स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको फिल्मोरा ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत इजी यूज़ करने के लिए होता है। चलिए अभी जैसे हमने स्निपिंग टूल लिया, जब हमारा फाइनल हो गया, हर एक विंडो में होता है, स्निपिंग टूल पे हमने इसको सिलेक्ट किया और ये देखें ये हमारा जो है तैयार हो गया थंबनेल। तो यहाँ पे अब इसको हम सेव करेंगे और ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।